क्वेश्चन लिखिए भाई, स्टेटमेंट एंड प्रूफ कॉसीज इंटीग्रल थ्योरम। स्टेटमेंट एंड प्रूफ कॉसीज इंटीग्रल थ्योरम। कॉसीज इंटीग्रल थ्योरम। थ्योरम नंबर 7.5.1 1917 राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई हुई थ्योरम है भाई, और भरतपुर यूनिवर्सिटी 2018। ठीक है भाई, स्टेटमेंट भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोसी का जो कन्वर्स स्टेटमेंट है वो मोरेरा थ्योरम का है। कोसी का जो इनवर्स स्टेटमेंट होगा वो मोरेरा थ्योरम। देखिए कौन, अब वो अलग बात है ना, हो भले कोई दिक्कत नहीं, पर ये है तीन चीजें आपकी, एक तो कोसी इंटीग्रल थ्योरम है और एक कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला है। कोसी इंटीग्रल थ्योरम और कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला और मोरेरा थ्योरम, तीन चीज बता रहे हैं हम। एक तो आपका कोसी थ्योरम है, एक फॉर्मूला है और एक मोरेरा थ्योरम है। तीनों में सिमिलरिटी मिलती है आपको, और एक है आपकी कोसी गुणसा। कोसी गुणसा थ्योरम। अब एग्जाम पेपर में क्या स्टेटमेंट लिखा आ जाता है और बच्चा ये नहीं पहचान पाता कि कौन सी थ्योरम का स्टेटमेंट है, और सभी स्टेटमेंट आपको लगभग सिमिलर मिलेंगे। इस थ्योरम में केवल इतना सा डिफरेंस है जो अभी लिखाएंगे आपको, और मोरेरा इसका जस्ट कन्वर्स है, और ये आपका फॉर्मूला आएगा, कौसी का फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन के लिए, कौसी का फॉर्मूला आएगा। ये थ्योरम है, तो अभी हम पहले इस थ्योरम को करा देते हैं, फिर चार थ्योरमों का स्टेटमेंट, जो कंफ्यूजन स्टेटमेंट है वो केवल इन चार थ्योरमों का ही है, क्योंकि आपस में अटैच हैं चारों जो थ्योरम है, तो उस वजह से बच्चे को काफी बार समस्याएं आ जाती हैं। तो देखिए भाई, स्टेटमेंट लिखिए, लेट एफ जेड बी ए, लेट एफ जेड इज एनालिटिक With a continuous derivative in a simply connected region रीजन या डोमेन जो भी कुछ कहना चाहो, सिंपली कनेक्टेड रीजन जी, इफ सी इज क्लोज कंटूर लाइंग इन जी, इन जी, देन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, देन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। देखिए भाई, लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन का यूज करके इस थ्योरम को प्रूव करोगे आप। फंक्शन आपका कैसा है भाई, एनालिटिक है, और कोई भी फंक्शन एनालिटिक होता है कब, तो एनालिटिक के लिए एक तो आप नेसेसरी कंडीशन जानते हो नहीं जानते। एनालिटिक शब्द अगर आ जाता है एग्जाम पेपर में या किसी थ्योरम के स्टेटमेंट में, तो आपको डेफिनेटली उस डेफिनेशन का क्या करना होता है, यूज करना होता है। अब डेफिनेशन का यूज करने से पहले आपको एनालिटिक की नेसेसरी कंडीशन भी याद होनी चाहिए और सफिशियंट कंडीशन भी याद होनी चाहिए। नेसेसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो डेफिनेटली कोसी रीमान इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
लेकिन इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। ये नेसेसरी कंडीशन है, एनालिटिक है तो कॉसी-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई, अगर कॉसी-रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं तो एनालिटिक नहीं होगा। अब सफिशियंट क्या है, सफिशियंट ये कहता है कि भाई इसके जो फर्स्ट डेरिवेटिव आते हैं वो भी कंटिन्यूस होने चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। तो वो क्या कह रहा है, आपका जी कोई भी रीजन है, ये क्या है भाई, जी कोई भी रीजन है या डोमेन है, लेट एफ जेड इज एनालिटिक विद ए कंटिन्यूस डेरिवेटिव, उसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो भी कैसा है आपका, कंटिन्यूस डेरिवेटिव इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी। तो ये एफ जेड जो है पूरे जी में क्या है भाई, आपका एनालिटिक है। इफ सी इज क्लोज कंटूर लाइंग इन जी, अब जी के अंदर आपको एक क्या लेना है, कंटूर, क्लोज क्लोज कंटूर सी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमेशा जितने भी थ्योरम करोगे सभी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ लोगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या कह रहा है कि इफ सी इज क्लोज कंटूर लाइंग इन जी, तो जी के अंदर एक क्लोज कंटूर लिया है, तब आपको प्रूव करना है कि ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अब ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, काफी क्वेश्चंस होते हैं जब कंपटीशन भी आप दोगे, तो हम फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम फंक्शन को देख लेते हैं कि अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है इस डोमेन सी में, यानी इस सी क्लोज कर्व है, कर्व कैसी होनी चाहिए, क्लोज, और इस क्लोज कर्व में हमारा फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, तो डेफिनेटली उस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। तो आप चाहें तो साइड में डायग्राम बना सकते हो, तो कैसा भी बना लीजिए, सपोज कीजिए जी इज रीजन और सी इज क्लोज कर्व, सी इज क्लोज कर्व और एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन जी। ठीक है, तो जी इज कनेक्टेड रीजन, तो प्रूफ लिखेंगे अब इसका। तो मानने में तो आप माहिर हो, तो मान लीजिए भाई, लेट एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, एनी प्रॉब्लम, आयोटा एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एंड जेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ जेड x प्लस आयोटा बाई, तो वैल्यू ऑफ dz कितनी निकल के आएगी भाई, बोलिए, dx प्लस आयोटा dy, एनी प्रॉब्लम। fz आप जानते हो w इक्वल टू fz और w इक्वल टू होता है आपका u प्लस आयोटा b, वेयर z इज ए फंक्शन ऑफ x y, इन दिस केस u इज आल्सो फंक्शन ऑफ x y एंड b इज आल्सो फंक्शन ऑफ x y। ठीक है, वैल्यू ऑफ z r equals to x plus iota y, therefore dz equals to dx plus iota dy. Now you find the value of over the contour c fz dz where c is closed curve, closed curve in the region g. ठीक है, अब आपको over the contour c fz dz की वैल्यू निकालनी है, तो अब आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। तो therefore over the contour c fz dz वैल्यू पुट कीजिए भाई, वैल्यू ऑफ एफ जेड यू प्लस आयोटा बी, वैल्यू ऑफ एफ जेड कितनी है भाई, यू प्लस आयोटा बी, डी जेड कितनी है भाई, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। सॉल्व कीजिए भाई इसे, ओवर द कंटूर सी कीजिए भाई सॉल्व, कर सकते हो तो रियल पार्ट को अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। तो देखिए u का मल्टीप्लाई dx से होगा तो कितना आएगा, u dx, अब आयोटा b का आयोटा dy से होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये हो जाएगा v dy, तो माइनस का v dy प्लस आयोटा फिर ओवर द कंटूर सी लगी रहा है आपका। अब देखिए आयोटा v dx, तो ये आएगा v dx, फिर आएगा आपका आयोटा यू डी वाई, यू डी वाई, ये हो गया ओवर द कंटूर सी दिस, आयोटा ओवर द कंटूर सी दिस। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम,
नहीं है तो आगे भी नहीं आएगी भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एफ जेड की वैल्यू आप निकाल चुके हो, डी जेड की वैल्यू आप निकाल चुके हो, केबल वैल्यूज रिप्लेस की और हमारी जो टर्म है वो इस प्रकार निकल के आ गई। इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू जीरो प्रूव करनी है, इसकी वैल्यू जीरो प्रूव करनी है। जैसे इन दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ओवर द कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो। अब इसकी वैल्यू जीरो करने के लिए आपने फर्स्ट ईयर में वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर पढ़ा होगा, वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस में आपने तीन थ्योरम पढ़े होंगे, गॉस, स्टोक्स और एक ग्रीन थ्योरम। लाइन इंटीग्रल के लिए ग्रीन थ्योरम पढ़ी होगी। दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो सरफेस एरिया को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट डबल इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन टू सिंगल इंटीग्रेशन और सिंगल इंटीग्रेशन टू डबल इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कौन सी थ्योरम का स्टेटमेंट यूज करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम। अब ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है वो हम यहाँ से लिखेंगे भाई। तो देखिए भाई सिंस उसने क्या कहा, डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इज कंटिन्यूअस, तो एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस। अब भाई एफ डैश जेड कंटिन्यूअस है तो एफ डैश जेड कैसे बनेगा, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यू का वाई के रेस्पेक्ट में, वी का एक्स के रेस्पेक्ट में और वी का वाई के रेस्पेक्ट में। जब ये कंटिन्यूअस है तो वो भी इसके पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो सिंस एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस हेंस या देयरफॉर ux, uy, vx and vy is also continuous. First derivative भी continuous होंगे. Therefore, y Green's theorem ओवर द कंट्रोल सी, देखो ये स्टेटमेंट होता है PDX प्लस QDY, ओवर द कंट्रोल सी PDX प्लस QDY इक्वल टू होता है आपका ओवर द कंट्रोल G, होल रीजन में चला जाएगा, C से किस में चला गया, G में। और ये जो वैल्यू होगी आपकी डेल Q ओवर डेल X माइनस डेल P ओवर डेल Y, डेल क्यू ओवर डेल एक्स, डेल पी ओवर डेल वाई, डी वाई डी एक्स डी वाई। ये तो हमारा लाइन इंट्रीगल था, लाइन इंट्रीगल को आपने एरिया इंट्रीगल में कन्वर्ट कर दिया, डबल इंट्रीगेशन एरिया, ट्रिपल इंट्रीगेशन वॉल्यूम और सिंगल इंट्रीगेशन लाइन। ये केवल लाइन पे चल रहा था सी पर, अभी हमने पूरे एरिया पे निकाल दिया, ठीक है। अब इसको यूज करेंगे हम किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई तो Q का तो किसके रेस्पेक्ट में, X के रेस्पेक्ट में, और P का किसके रेस्पेक्ट में, Y के रेस्पेक्ट में, और दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं डी एक्स डी वाई, जी रीजन पे आपका बन जाता। अब देखिए इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो कीजिए भाई, नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट वाई इक्वेशन फर्स्ट ओवर द कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू दिस कन्वर्ट टू जी, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ पी बताइए भाई कितनी है, यहां से पी डी एक्स, पी की वैल्यू तो यू है और क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस के बी, तो डेल क्यू ओवर डेल एक्स, तो ये आएगा डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई, पी की वैल्यू कितनी है यू, और ये आपका हो गया डी एक्स डी वाई।
प्लस आयोटा ओवर द कंटूर जी पीडीएक्स प्लस क्यू डी वाई वैल्यू ऑफ क्यू यो डेल यू ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स पीडीएक्स प्लस क्यू डी वाई पीडीएक्स प्लस क्यू डी वाई डेल वी ओवर डेल वाई वाई यूजिंग द कॉसी रीमान इक्वेशंस बिकॉज एफ जेड इज एनालिटिक देयरफोर फॉर कंडीशन ऑफ एनालिटिक नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक एफ जेड इज एनालिटिक इफ एंड ओनली इफ इट इज सेटिस्फाई कॉसी रीमान इक्वेशन। अब देखिए वाई कॉसी रीमान इक्वेशंस ओवर द कंट्रोल जी ये हो गया माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई आयोटा ओवर द कंट्रोल जी डेल यू ओवर डेल वाई माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स डी एक्स डी वाई वाई कॉसी रीमान इक्वेशंस। तो भाई कॉसी रीमान इक्वेशन भाई कॉसी रीमान इक्वेशन तो आपको याद होंगे क्या भूल गए? हाँ बोलो क्या होती है डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स। ठीक है भाई तो बाय कॉसी रीमान इक्वेशन यूजिंग कॉसी रीमान इक्वेशंस ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू बताओ किसकी वैल्यू रखें वी की रखें या यू की रखें डेल बी ओवर डेल एक्स डेल बी माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स किसके इक्वल है डेल यू ओवर डेल वाई के। तो ये आ गया डेल यू ओवर डेल वाई के माइनस चल ही रहा है आपका डेल यू ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई प्लस के आयोटा ओवर द कंटूर सी डेल यू ओवर डेल वाई माइनस का डेल बी ओवर डेल एक्स गलती तो नहीं कर दी इसमें देखो भाई कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी UDX माइनस BDY VDX UDY PDX प्लस QDY डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई डेल क्यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल पी ओवर डेल वाई वैल्यू ऑफ Q इक्वल्स टू माइनस के बी माइनस डेल पी ओवर डेल वाई। ठीक है भाई पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई डेल यू ओवर ये आएगा डेल क्यू ओवर डेल एक्स तो आएगा डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स आएगा ये माइनस डेल पी ओवर डेल वाई तो माइनस के डेल पी ओवर डेल वाई कोई दिक्कत है एक्स ये वाई। ठीक है अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे वैल्यू रिप्लेस कीजिए भाई डेल बी ओवर डेल वाई की वैल्यू किसके इक्वल है डेल यू ओवर डेल एक्स के तो ये आ रही है हमारे पास डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स डी वाई लिख सकते हो आप बाई कॉसी रीमान इक्वेशन डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू डेल बी ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू माइनस के डेल बी ओवर डेल एक्स देन ओवर द कंटूर से कैंसिल भाई इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो गई आपकी जब कैंसिल हो गई तो ये आ गया आपका कितना ओवर द कंट्रोल सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो।
एंसबुक। अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज कर्व सी में, तो डेफिनेटली उसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी सी पर वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी डेफिनेटली। तो आसान थ्योरम थे, केवल ग्रीन्स थ्योरम स्टेटमेंट का आपने यूज किया इसमें। तो देखिए भाई, इसके बाद बुक तो है भाई सभी के पास। नो सर, यस सर, क्या कह रहे हो? तो देखिए भाई, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कौशी गुर्सा थ्योरम का स्टेटमेंट। कौशी गुर्सा थ्योरम पेज नंबर 198, इसे नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 7.5.2, कौशी गुर्सा थ्योरम। अब कौशी गुर्सा थ्योरम का जो स्टेटमेंट है और कौशी थ्योरम का स्टेटमेंट है, पढ़िए भाई दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, निकालिए भाई डिफरेंस। देखिए इसमें भी ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो। उसमें भी ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू हो रहा है जीरो। स्टेटमेंट पढ़िए, लेट एफ जेड इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी। तो उसमें भी ये लाइन कैसी थी, सेम थी, कोई दिक्कत? वहां भी आपका एफ जेड एनालिटिक था इन ए सिंपली कनेक्टेड रीजन डी। इफ सी इज ए क्लोज कंटूर लाइंग इन जी, तो वहां भी क्या था, सी इज ए क्लोज कंटूर लाइंग इन जी, देन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। इसमें कौन सी लाइन मिस हो गई, एक लाइन मिस हो गई, कौन सी? इफ सी इज क्लोज, सॉरी, कंटिन्यूस वाली, कंटिन्यूस डेरिवेटिव इन ए सिंपली कनेक्टेड रीजन जी। ठीक है भाई, तो वहां अगर वो कंटिन्यूस कहता है तब तो कौन सा स्टेटमेंट रहेगा, वो कौशी का। अगर कंटिन्यूस नहीं कहता है तो कौशी गुर्सा का, केवल सी को लाइन करा दे और जी बता दे तो ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड बराबर अगर जीरो है तो वो जो स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट होगा आपका कौशी गुर्सा का स्टेटमेंट होगा। तो ये थ्योरम तो ना के बराबर आती है वैसे, कौशी गुर्सा स्टेटमेंट आप लिख लेना बुक से, कौशी गुर्सा थ्योरम का स्टेटमेंट आप बुक से लिख लेना। इसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आपको सिंपली एंड मल्टी कनेक्टेड रीजन कराएंगे, क्रॉस कट कराएंगे, और क्रॉस कट कराने के बाद कुछ थ्योरम्स और कराएंगे। फिर थ्योरम्स कंप्लीट जैसे ही हो जाएंगे फिर आपके कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो 2 या 3 दिन मान के चलिए इस चैप्टर को, 2 या 3 दिन में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। ज़्यादा टफ चैप्टर है नहीं, चैप्टर नंबर 8 में थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि थ्योरम्स का जो प्रूफ है थोड़ा लेंदी है, पर इजी वो भी है आपका, तो घबराने वाली कोई आवश्यकता आपको नहीं है। पहले एक तो हो जाए, पहले इस बुक को करा दें फिर दूसरे की बात करेंगे। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मंडे को, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.